एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी पूरी मन लगाकर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं कुछ टाइम से अपने चैनल पर रेगुलर नहीं थी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट अब से मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रिपरेशन में आपका पूरा साथ दूं, आपके लिए डेली एक वीडियो लेकर आऊं कुछ इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स पर। सो आज का हमारा टॉपिक है लैक ओपेरोन। ओपेरोन की अगर हम बात करें, ओपेरोन क्या होता है बच्चों? ओपेरोन इज अ सेट ऑफ जीन्स। ओपेरोन जीन्स का सेट होता है जिसमें दो टाइप की जीन्स होती है। नंबर वन इज कंट्रोल जीन्स एंड नंबर टू इज स्ट्रक्चरल जीन्स। ओपेरोन में दो तरह की जीन्स है, कंट्रोल और एक स्ट्रक्चर। पहले मैं स्ट्रक्चरल के बारे में आपको बताऊं। स्ट्रक्चरल जीन्स वो होती है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करती है, मीन्स फंक्शनल होती है। तो ये तो क्या हुई, फंक्शनल जीन्स जो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रही है। और कंट्रोल जीन्स क्या है, जो इनको रेगुलेट कर रही है, इन पर कंट्रोल कर रही है कि कब इनको प्रोटीन बनानी है या नहीं बनानी है। तो ओपेरोन जो है बच्चों, ये केवल किसमें होता है? लैक ओपेरोन इज ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। यहाँ लैक से क्या मीनिंग है? लैक मीन्स लैक्टोज। प्रोकैरियोट्स या फिर मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया की ही बात करें, तो लैक ओपेरोन को जैकब एंड मोनर्ड ने 1961 में एक्सप्लेन किया था और 1965 में इसी के लिए दे गॉट नोबेल प्राइज। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इसी चीज को देने के लिए, लैक ओपेरोन को समझाने के लिए। अब ओपेरोन प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाली एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, जो एक तरह से एनर्जी को सेव करवाती है। कैसे? जनरली जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या यूज करता है? ग्लूकोज यूज करता है। अब ग्लूकोज अगर अवेलेबल है तो वो ग्लूकोज से सीधा एनर्जी लेगा एटीपी की फॉर्म में। अब अगर उसके पास ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है और एक और शुगर है लैक्टोज, जो कि एक ट्राइसैकेराइड शुगर है। अब ये शुगर अगर प्रेजेंट है और ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज को भी यूज कर सकता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन उसको यूज करने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और उसके लिए तीन एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए तीन एंजाइम्स की जरूरत होती है। और एंजाइम क्या है बच्चों? प्रोटीन है। प्रोटीन कोड किससे होती है? जीन्स से होती है। तो ये ओपेरोन उन्हीं जीन्स से मिलकर बना है जो इन तीन एंजाइम्स को बनाती हैं। आगे जानेंगे कौन कौन से, जो एंजाइम्स लैक्टोज को तोड़ने के लिए चाहिए होते हैं। लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए तीन एंजाइम्स की जरूरत होती है। इस ओपेरोन में वो तीन एंजाइम्स की जीन्स है, उनको हम स्ट्रक्चरल जीन्स कह रहे हैं। लेकिन ये ओल्ड टाइम फंक्शनल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास, जब बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है तो वो क्यों एनर्जी खर्च करेगा ये तीन एंजाइम या तीन प्रोटीन बनाने के लिए? इस लैक्टोज का क्या ही करना है उसको, जब उसके पास ग्लूकोज इजीली अवेलेबल है तो तोड़ने के लिए एनर्जी क्यों खर्च करेगा? तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो ये ओपेरोन किस कंडीशन में रहता है? ऑफ कंडीशन में। जनरली ये किस में रहता है? ऑफ कंडीशन में, यानी कि ये जीन्स जो है वो प्रोटीन नहीं बनाती, फंक्शनल नहीं होती। और उसको कंट्रोल करने का काम ये जीन्स कर रही है, जिनके बारे में जानेंगे, रेगुलेटरी जीन्स होती है। फिर उनको समझने से पहले आप जानिए, दो तरह की जीन्स होती है, एक हाउसकीपिंग जीन्स और दूसरी लग्जरी जीन्स। जो ये हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये लग्जरी जीन्स है। और हाउसकीपिंग जीन्स कैसी होती है? ये होती है मम्मी जीन्स। मम्मी जीन्स से मतलब क्या है कि ये ऑल टाइम काम करती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कंडीशन में नहीं जाएंगी। ये हर टाइम काम करने वाली जीन्स है, मीन्स प्रोटीन बनाने वाली जीन्स। और लग्जरी जीन्स कैसी होती है? जब रिक्वायरमेंट होती है तब काम करती है, अदरवाइज ऑफ कंडीशन में रहती है। तो ओपेरोन के बारे में समझो आप, हमारे पास दो तरह की जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स और रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी में क्या क्या आ रहा है? सबसे पहली चीज है पी, यानी कि प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है बच्चों? प्रोमोटर वो चीज है जब ये हमारे पास जो सीक्वेंस है जीन्स का, जिनसे हमारे पास क्या बनना है? आरएनए बनना है। तो आरएनए बनने के लिए, मैसेंजर आरएनए बनने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिस जगह पर आकर बाइंड होगा वो साइट क्या होती है? प्रोमोटर। तो प्रोमोटर के बाद जो दूसरी जीन्स आती है आई। आई से मतलब यहाँ आपको इंड्यूसर नहीं रखना है यार, आई से मीनिंग है यहाँ इनहिबिटर। इनहिबिटर से मतलब क्या है? ये वो जीन है जो इनहिबिटर प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिर प्रोमोटर। और ओ से मतलब होता है
ऑपरेटर की। ओ यहाँ क्या है? ऑपरेटर। और जेड वाई ए ये तीन हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो तीन प्रोटीन बनाएंगी जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड। तो जेड हमारी कौन सी प्रोटीन बनाती है, कौन सा एंजाइम बनाती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब इनका काम जानेंगे। वाई क्या बनाता है? परमीएज। वाई जीन किसके लिए कोड करती है? परमीएज प्रोटीन या एंजाइम के लिए। ए किसके लिए कोड करता है? ट्रांस एसिटिलेज के लिए। ए ट्रांस एसिटिलेज के लिए। सो होता क्या है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ प्रोमोटर से बाइंड होगा और ये जो आई जीन है हमारी ये एक ट्रांसक्रिप्शन करेगी और आरएनए पॉलीमरेज से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और क्या बनाएगी, एक मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए एक प्रोटीन बनाएगा यानी ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसाइजिंग प्रोसेस। अब प्रोटीन बनेगी कैसी? इनहिबिटर प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसी है? इनहिबिटर प्रोटीन। ये प्रोटीन जाकर बाइंड हो जाती है किसके साथ? ऑपरेटर के साथ। देखिए आई कंट्रोल जीन है, ये क्या करती है? इनहिबिटरी प्रोटीन बनाती है एक, और वो प्रोटीन इनहिबिशन का मतलब जानते हैं ना, रोकने वाली, वो प्रोटीन जाकर ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाती है। उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि यहां से आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रोमोटर पे बट आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज आगे जेड वाई ए तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बीच में ये इनहिबिटर प्रोटीन बैठ गई आगे, ये उसको आगे नहीं जाने देगी, ये जाने नहीं देगी। तो जेड वाई और ए जो है ये अपने आरएनए नहीं बना पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी। तो ये होती है ऑफ कंडीशन, और ऑफ कंडीशन के लिए एक इनहिबिटर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो ऑपरेटर जीन से आकर बाइंड हो जाती है। सो अब बात करते हैं अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ई कोलाई को अवेलेबल है, लैक्टोज एब्सेंट होने पर ओपेरोन ऑफ रहता है, बट लैक्टोज प्रेजेंट होने पर ऑन कैसे होगा? लैक्टोज ही इस ओपेरोन में एक्ट करती है एज एन इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब जो इस ओपेरोन को क्या कराएगा, ऑन कराएगा, ऑन कंडीशन में लेके आएगा। तो लैक्टोज और एलोलैक्टोज यहां क्या करेगी, जो आई जीन थ्री जिसने क्या बनाया था, इनहिबिटर प्रोटीन, वो लैक्टोज ही इस इनहिबिटर प्रोटीन के साथ आकर बाइंड हो जाएगी और इस प्रोटीन को कहां जाने से रोकेगी, ऑपरेटर तक जाने से रोकेगी। जब ये प्रोटीन ऑपरेटर तक नहीं जा पाएगी तो अब ऑपरेटर की साइट यहां पर खुली हुई है किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज यहां प्रोसीड करेगा, जेड वाई और ए तक पहुंचेगा और जेड वाई ए जीन काम करेंगी और ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेंगे, और ट्रांसलेशन होगा, तीन एंजाइम या फिर कहिए प्रोटीन बनेगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटिलेज। मीन्स लैक्टोज ही खुद सबस्ट्रेट है, यहाँ लैक्टोज का ही मेटाबोलाइजेशन करना है, ब्रेक डाउन करना है, और लैक्टोज ही किसकी तरह काम कर रहा है, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है ओपेरोन को ऑन करने में। इसने प्रोटीन के साथ बाइंड होकर उस प्रोटीन को ऑपरेटर तक नहीं जाने दिया जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे प्रोसीड कर सका और ये तीनों जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है हमारी तीनों ने प्रोटीन बनाई। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन होता है लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमीएज का क्या काम होता है, जो वाई जीन कोड करती है जिस प्रोटीन के लिए, परमीएज का फंक्शन होता है बच्चों, बिकॉज ई कोलाई की जो सेल है उसमें लैक्टोज कहां से एंटर करेगा, बाहर से, तो लैक्टोज की इस मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी बढ़ाता है कौन, परमीएज एंजाइम, यानी लैक्टोज की एंट्री करवाता है सेल में। लास्ट ए जीन कोड करती है ट्रांस एसिटिलेज के लिए, इसका फंक्शन होता है बच्चों दूसरी सुगर्स को एसिटिलाइज करता है ये एंजाइम, सो दैट जो हमारी सेल है वो केवल फोकस कर सके लैक्टोज के मेटाबोलाइजेशन पर। एक पॉइंट आता है कि अगर ओपेरोन हमारा ऑफ था तो परमीएज कहां से आया, सो दैट लैक्टोज बाहर से एंटर कर सके, तो इसका आंसर होगा कि इतनी अमाउंट में परमीएज ऑलवेज सेल में प्रेजेंट रहता है कि लैक्टोज की एंट्री हो सके सेल के अंदर। सो दिस वाज लैक ओपेरोन। एंड अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।